सुबह की राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के बजने वाले हैं 11, आज दिन है संडे का और अभी हम घर से निकले हैं। ये देखो भाई, घर से रेडिंग हमने जीरो कर ली थी, ईंधन वगैरह कुछ इतना है अपनी गाड़ी में, और ट्रिप बी को हमने जीरो कर लिया है जो कि इस हिसाब की इसकी रेडिंग है। भाई अभी घर से 1.5 किलोमीटर घर से निकल के आए हैं और सिंगापुर रुद्रा के पास पहुँचने वाले हैं। इस तरह का भाई, आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, परसों का ब्लॉग देखा होगा भाई, दो दिन हमारी अर्निंग नहीं हुई है। हालांकि कल तो हुई थी 650-650 रुपये की, तो आज मैंने सोचा है कि लोकल भी चलाएंगे भाई, काम आएगा तो लोकल भी करेंगे। हालांकि अभी तक हमारे पास कोई काम आया नहीं है, वेट करेंगे, देखेंगे कब तक हमारे पास कोई काम आता है। प्राइवेट का आएगा प्राइवेट करेंगे, लोकल का आएगा लोकल का भी करेंगे, या आउट बाहर का मिल जाएगा तो वहाँ भी जाएंगे भाई। कुल मिला के आज अपने को काम करना है 1000 रुपये घर बचा के ले जाना, ऐसा हमने कल ही वाले ब्लॉग में बताया था और आज ऐसा करूंगा भी भाई। तो निकल चुका हूँ, हालांकि लेट निकला हूँ भाई क्योंकि संडे का दिन है। संडे के दिन वैसे भी जो है थोड़ा सा लेट काम स्टार्ट होता है, इस वजह से मैंने कहा चलो आज थोड़ा लेट ही निकलता हूँ, क्योंकि काम वगैरह तो वैसे भी नहीं है, बहुत डाउन है, इस वजह से मैं जानबूझ के ही लेट निकला हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ थोड़ा सा वेट करूँगा रुद्रा के पास में, हो सकता है यहाँ से कोई लोकल की राइड मिल जाए हमारे जो है शहर के अपने शहर की तरफ के लिए, तो मैं निकल चलूँगा। अब ये रुद्रा अपार्टमेंट एकदम पास में है, देखो कुछ इस तरह का नज़ारा है भाई। ये होटल है, यहाँ से भी बुकिंग मिलती है, ये अपार्टमेंट है, यहाँ से भी बुकिंग मिलती है। 10-5 मिनट वेट करूँगा, अगर यहाँ से बजेगी तो ठीक है, नहीं बजेगी तो भाई और आगे की तरफ अपने अड्डे की तरफ, इंदिरानगर की तरफ, यहाँ से बढ़ चलूँगा आगे की तरफ। तो ठीक है भाइयों, जो भी हमारे भाई नए हो, हमारे चैनल पे आए हो, हमारे चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अब करते हैं बुकिंग का वेट, जैसे कि बुकिंग आती है बताते हैं आप लोगों को बगैर देरी करते हुए। ठीक है भाई, हमारे साथी की बुकिंग आ चुकी है, राजेश है, ये राजेश वर्मा, आगे गाड़ी है, यहीं से पिकअप है इनका। और हमारी बुकिंग भाई आई नहीं है, तो हमारी बुकिंग आई नहीं तो यहाँ से अब जा रहे हैं खाली, यहाँ से अब जाएंगे अड्डे पे और वहाँ पे कोई बुकिंग देखेंगे, क्योंकि हमारा समय चल रहा है पूरा भाई, इसलिए काम हमको ना देखे, हम इनसे पहले से खड़े हैं। और इनकी बुकिंग आ गई है यहीं रुद्रा से, पीछे से पिकअप करना है शायद, अभी ये गाड़ी शायद यू टर्न करेंगे अगर पीछे रुद्रा से होगा तो। ये देखो गाड़ी टर्न की और ये जा रहा है बुकिंग पर, हमारे पास अभी बुकिंग नहीं आई हुई है, अब देखते हैं कब तक आती है, क्या है क्या नहीं है, जैसा भी सिस्टम होएगा वह बहुत कराएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने अड्डे पे, तो भैया आ गए अपने अड्डे पे, इनको बहुत जल्दी है, शुभम भाई साहब को, इनके पास भी लगी हुई है राइड, हमारे पास भी लगी हुई है। अब चलते हैं, उतरते हैं बाहर और देखते हैं चल के कौन कहाँ गया है या कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि अपने पास भी प्राइवेट बुकिंग एक लग चुकी है, लोकल में ही रहना है कुल मिला के। देखते हैं कि भाई कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है। और गाड़ियाँ वगैरह भाई रोज की भांति बहुत सारी खड़ी हैं, देखो पंडित जी की वैगन आर वो खड़ी है, उसके बाद ये खड़ी है, ये खड़ी, ये खड़ी हमारी, ये खड़ी शुभम की, ये खड़ी है भाई सचिन की, ये खड़ी अपने पिंटू भैया की, नहीं ये पिंटू भैया कहाँ गए, पिंटू भैया कहाँ गए, ये वही है भाई ससुराल 10 दिन घूम के आया, ये आदमी नहीं होएगा। अबे ससुराल एक दिन के लिए होती है, दो दिन की होती है, क्रेडिट कार्ड सब खत्म, हम तो भैया 500 रुपए दे दो अल्लाह के नाम से, आवाज से पैसा कमाना है। हाँ भैया वो राइड लगी है, अभी जाना वहाँ से मिलेगा तो दे देंगे, गैस के लिए पैसा तो सेठ आदमी तुम ही लगते हो यार, हम लोग सही बात, सही बात, कल बरेली गया था भवानीपुर, अपने ग्रुप का रईस आदमी यही लगता है सेठ, खाते पीते हुए घर का, खाते पीते घर का बकाया, हम लोग तो बस ऐसा ही है, यहाँ कहीं नहीं जाते, इतने की बुकिंग हम यहीं जा रहे हैं, जरूरी इतने की बुकिंग हम यहीं जा रहे हैं कानपुर एयरपोर्ट। हाँ इतना तो कमा लेंगे 500 रुपये। विशाल तुम कितने कमा रहे हो, इसकी भाई प्राइवेट बुकिंग लगी हुई है तभी इतना बिजी है, प्राइवेट कस्टमर से कर रहा है बात, तो हम लोग तो भैया खड़े हैं यहीं कर रहे हैं वेट, देखते हैं ये प्राइवेट बुकिंग लगी है ना, 350 पे लाए सिंगापुर से कल्याण बुक के, बस 350। और ये बुकिंग कहाँ की है, बुकिंग आई है जेके टेम्पल लाइन, वो हाँ जेके, हाँ डबल पर ही है,
नहीं तो अभी किससे बात कर रहे थे? अभी दूसरे बात हो गई। प्राइवेट लगी है ये? कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट। कितने में? 11,000। ठीक है, उधर से कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल ही जाएगा। तो भैया हमारे साथ हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब, नाम बताना भाई अपना। अनस कुमार रावत। ये भैया लखनऊ से आए हो, किस राइड से आए हो, कौन सी राइड लेके? वनडे कैब। वनडे कैब जी। फेयर क्या दिया है? फेयर दिया 1,117 रुपये। 1,117 टोल इंक्लूडेड? जी इंक्लूडेड। तो भाई पैसे तो खैर बहुत कम है, और उबर की इंटरसिटी इनकी चालू है, ओला के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मैसेज आ गया है, संभवतः 7 दिन के अंदर खुल जाएगी। ये भाई जो है टर्म्स ऑफ कंडीशन जो भी हैं फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मिस कॉल मारना हुआ और राइड उठा के काम करना हुआ। तो इनकी गाड़ी भाई वो खड़ी रही औरा UP 32, ये उनकी औरा है भाई। भाई ने अभी सुबह फ़ोन किया था कि भैया मैं मिलना चाहता हूँ, तो हमने कहा भाई आ जाओ अड्डे पे। एक भाई साहब और से मिलना चाहते थे, लेकिन क्या आज हमारी प्राइवेट बुकिंग लगी 12 बजे की, तो यहाँ समय कम दे पाएंगे, तो उनको तो हमने मना कर दिया था। और आपने व्हाट्सएप पे हाई लिख के कुछ भेजा था, तो हमने लोकेशन भी भेजी थी हाँ कि भाई आ जाओ यहाँ पे, तो हमने चलो भाई से मिल लेते हैं। बहरहाल काम तो इस समय डाउन है ही, तुमने देखा ही होगा बहुत काम डाउन है। राइट लेके चले आए थे लखनऊ। हाँ अभी यहाँ से लेके जाओगे तो अपना हिसाब, कल 2,000 कर लिया था। ऊबर भी लेके जाओगे तो 1,100 आराम से मिल जाएगा। कल लोकल में भी 2,000 कर लिया था हमने काम लखनऊ में। चलो मतलब चलो खैर भाई मेहनती है, 1,100-1,200 का काम, 2,000 रुपये कल 2,000 में मान लो 500-700 CNG भी निकाल देंगे तब भी 1,000-1,500 रुपये बच जाता है। तो कुल मिला के 1,700-1,800 का हो गया काम समझ लो, तो सुबह भी करके आए हैं ना 700-800 रुपये का। बड़े मेहनती, कब से गाड़ी निकाल देते हो? आज गए नहीं थे, गाड़ी सो रहे थे, सुबह बजने लगी चलाने लगे। तो रूम नहीं लिया लखनऊ? रूम है। अच्छा रूम पे नहीं गए थे? हाँ रूम पे नहीं गए थे। तो भाई कुछ इस तरह का हिसाब किताब है, फिलहाल हमारी लगी प्राइवेट बुकिंग, भाई से करेंगे बात और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो भैया डेली की राइड जो थी उसी में मैं हूँ, जो कि 900 रुपये भाड़ा है और 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल का पैसा है। तो हुआ कुछ ऐसा है भाई कि इन्होंने अभी सिर्फ लोकल में ही इनको चलना है, और अभी क्या है 24 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी। ये देखो भाई सुबह से अभी तक मतलब 12:30-12:30 इन्होंने गाड़ी मंगाई थी, 1 बजे निकले हैं, 1 बजे निकलने के बाद अभी समय बज रहा है 5 बजने वाला है, कुल मिला के 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में 24 किलोमीटर चली है, और इतनी ही और चलेगी मतलब लगभग 50 किलोमीटर चलेगी। 50 किलोमीटर का 500 रुपया तो ये हो गया, और 900 रुपया हो गया अपना भाड़ा, कुल मिला के 1,400 रुपये काम होगा। तो आज का अपना टारगेट आज भी पूरा नहीं हो पाएगा यार। अब इस रेट में जब डेली भाड़ा में चलना हो, 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है ना भाई, अगर लंबी दूरी की यात्रा हो तो मजा आ जाता है, यही 100-200-300 किलोमीटर चलनी होती भाई तो फिर समझ में आता भाई बिल्कुल कुछ अच्छा ठीक ठाक बनता, उसमें बच जाते भाई 1,500-2,000 रुपये। तो क्या ही किया जा सकता है यार, भागते भूत की लंगोटी सही, इस समय वैसे भी काम है नहीं, जो मिल रहा है भाई वही कर लो, यही समझ के ये बुकिंग हमने एक्सेप्ट ले ली। प्राइवेट बुकिंग थी, हमने कहा चलो कुछ तो बचेंगे यार, 1,000-1,200 रुपये जो भी बचेंगे अपने काम आएंगे, वैसे भी 2 दिन से अपना काम हो नहीं रहा था, कल 650 किया था, आज कितने करते हैं वो तो शाम को बताएंगे भाई। और जो कस्टमर हैं उनका सामान देखो गाड़ी में ही रखा हुआ है, वो अपने ससुराल में गए हुए हैं, एक्चुअल में उनको कार्ड बांटना है, तो पहले अपने मौसी के यहाँ गए थे, वो पुराने बिठूर गांव में रहती हैं, तो वहाँ लिवा के गए थे, अब दूसरी यहाँ ससुराल पड़ती है पैगूपुर में, तो यहाँ लाए थे, अब यहाँ के बाद भाई सिंहपुर में जाएंगे जो कि हमारा घर पड़ता है, सिंगापुर में कार्ड देने के बाद फिर ये पता नहीं कहाँ जाएंगे, शायद घर ही जाएंगे, क्योंकि हमको बोला था कि 8 बजे तक छोड़ देंगे, तो हमने कहा ठीक है, हमने बोला भैया 8 बजे तक छोड़ पाए तो ठीक है, अगर ना छोड़ पाए 9 बजे जो 300 रुपये नाइट लगेगी, तो बोले भैया 9 बजे नहीं 10 बजे लगा लेना, हमने कहा ठीक है, कुछ लोग 10 बजे भी देते हैं और कुछ लोग 9 बजे भी, तो आपको पता है तो भाई आप 10 बजे ही दे दीजिएगा कोई बात नहीं, 10 नहीं बजेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है, 8 बजे छोड़ दोगे तो, नहीं तो हमें क्या 300 रुपये में और मिलेंगे। इस तरह का ही साहब किताब इनसे बोला, भैया यहाँ कितना समय लगा ससुराल में, अब ससुराल का मामला बोला भैया 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, तो हमने कहा आपको जो कुछ सामान गाड़ी में रखा है निकालना हो तो निकाल लो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा घूम के आता हूँ, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं चले जाओ, और हमें कार्ड की ज़रूरत थी, कार्ड मैंने ले लिए हैं, जो सामान रखा वो ऐसा रखा रहने देना, अब घूम के आ जाना, मैंने कहा कितनी देर बाद आ जाऊँ, बोले आराम से घूमना मैं फ़ोन कर दूंगा पहले ही, हमने कहा वाह यार ये तो चलो अच्छी बात है, अब भैया आप तो घुस गए ससुराल में, हम बैठे थे गाड़ी पे, तो हमने कहा चलो हम भी घूम के आते हैं, अब जो रीडिंग चलेगी वो भैया देंगे या हम देंगे वो तो खैर बात की बात है, जो चलेगी 10-20 किलोमीटर चल जाएगी,
हमने दिया तो ठीक है, भैया ने दिया तब भी ठीक है। ये गंगा वैली होटल है भाई, बहुत ज़बरदस्त हमारे इधर क्षेत्र का बना हुआ है। और ये अपना बिठूर रोड है जो कि बिठूर से सिंहपुर की तरफ कल्याणपुर को जाता है। तो भाई बताते चलें कि कस्टमर नंबर एक के बेस्ट आदमी है भाई, बोले ठीक है आप चले जाओ और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन कर दूँगा। फ़िलहाल 2-3 घंटे तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि ससुराल आया हूँ और पूरे मोहल्ले में जो खास खास लोग हैं परिवार के लोग कार्ड बांटूंगा जाके और सबके यहाँ पहली बार जाऊंगा तो भैया चाय पानी तो करना ही पड़ेगा। हमने बोला बहुत अच्छे, अभी 5 बज रहा है आप 7-8 बजे तक तो घूमते रहो और भी अच्छी बात है भाई, हमारी नाइट बन जाएगी। फिलहाल देखा जाएगा जो जैसा होगा, तो अब शाम को जो भी बिल वगैरह बनेगा तो वो अपडेट हम आपको बताएंगे शाम को लास्ट में जो है कि अर्निंग वगैरह हमारी क्या हुई है। ईंधन वगैरह तो खैर डलाया नहीं था, ईंधन वगैरह वही है जो पहले का पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही था। 26 किलोमीटर गाड़ी चली है और सुधांशु आश्रम फिलहाल हम पहुंचने वाले हैं। ये भी भाई एक होटल है जो कि शादी बरातों में काफ़ी अच्छा बुक होता है, लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसका नाम यार नीलम ऑर्चिड करके है, ये कुछ बाउंड्री वगैरह है, ये एकदम अपना सुधांशु आश्रम के पास में ही पड़ता है। और संडे का दिन है भाई तो सुधांशु आश्रम में भी आज भीड़ होगी, हालांकि उतनी नहीं है क्योंकि धूप हो रही भाई बहुत तेज़ी से तेज़ी की, तो धूप जब तेज होती है तो लोग घूमने के लिए कम ही निकलते हैं। हाँ अब शाम होगी तो फिर भीड़ भाड़ थोड़ा सा बढ़ेगी, हालांकि पार्किंग में काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं और भीड़ भाड़ कुछ तो नज़र आ रही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। कुल मिला के सही है जो भी है, जाएगा अपने से क्या लेना देना भाई। अपन लोग चलते हैं सीधा जहाँ जा रहे हैं फिर बाद में बताते हैं। ये स्कॉलर मिशन स्कूल है, काफ़ी अच्छा है, ये साइड में बना हुआ है, ये देखो ये भी हमारे क्षेत्र में एक बात तो है भाई कि स्कूल कॉलेज मंदिर ये काफ़ी अच्छे अच्छे बने हुए हैं और गेस्ट हाउस वगैरह हमारे क्षेत्र में बहुत बने हुए हैं क्योंकि इधर ग्रीनरी बहुत है, प्रदूषण वगैरह है नहीं, शोर शराबा है नहीं, तो लोग इधर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई स्कूल बनवा रहा है तो कोई मंदिर बनवा रहा है तो कोई गेस्ट हाउस बनवा रहा है, कोई होटल बनवा रहा है, तो इस टाइप का हिसाब किताब है। फिलहाल मैं चाहता हूँ जा रहा हूँ, अगर वीडियो वहाँ रिकॉर्ड करूँगा तो बताऊँगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है तो भैया हो गया हमारा काम, कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया, अब आपको टाइम दिखाते हैं। टाइम हो गया 10:30, ये देखो 10:36, गाड़ी चली है 67 किलोमीटर, इनके यहाँ जीरो किया था, इनके यहाँ तक 67 किलोमीटर हो चुकी है भाई। 60 किलोमीटर का पैसा लिया 600 रुपये ये और 900 रुपये गाड़ी का भाड़ा, कुल मिला के हो गए 1500 और 200 रुपये लिया ड्राइवर के नाइट का जो कि 10 बज गए थे। और इसमें से काफ़ी गाड़ी हमने अपने यूज में चलाई थी इसलिए 67 की जगह 60 किलोमीटर का पेमेंट इनसे लिया। हमने कहा भैया 7 किलोमीटर वाली कोई बात नहीं, आप ये ऊपर वाले रहने दो क्योंकि हम अपने यूज में चलाइए तो आप 60 किलोमीटर का पेमेंट दे दो, क्योंकि यहाँ से बिठूर गए थे, बिठूर से बरहाट गए, बरहाट से सिंहपुर आए, सिंहपुर से सीधा यहाँ आ गए। अब खर्चा अपना निकाल देते हैं भाई 700 रुपये जो कि नाइट वगैरह सब कुछ मिला के, जैसे 500 की CNG लगी होगी, 200 रुपये खर्चा प्लस 1000 रुपये आज अपनी बचत जो कि लोकल की होती है। आप लोग बोलेंगे भैया बचत बहुत कम हो रही है, हाँ ये बात सही है भाई, काम है नहीं, वो काम हमारे पास आ भी नहीं रहा है तो फिलहाल 1000 रुपये ही निकाल के संतुष्टि करेंगे। कल से निकलेंगे और इस उम्मीद से कि शायद कल का काम हमारा अच्छा होगा। तो हालांकि पिछले के 2 दिन मतलब परसों वाले दिन तो हमने कोई अर्निंग ही नहीं की, कल वाले दिन 650 काम किया था, आज वाले दिन काम किया 1700 का, लेकिन बचत हमारी 1000 ही निकालेंगे क्योंकि लोकल में हमने बोल रखा है कि 1000 भी बच जाए खर्चे वगैरह निकाल के तो बहुत है, मतलब CNG निकाल दो और अपना 100-200 रुपये बिजली का खर्चा जो होता है वो निकाल दो तो 1000 बच गए, सही है। बाहर जाएंगे तो 2000 रुपये बचाएंगे भाई, अब देखते हैं कब तक हमारे पास नहीं आएगी, कब तक खैर मनाएगी बाहर की बुकिंग, ओला उबर वन वे में किसी न किसी में तो देगा ही भाई। तो आज का दिन तो कट गया, कल निकलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ में कि शायद हमें काम मिल जाएगा, और मिलता भी है भाई, मिलेगा भी, उम्मीद यह है कि कल हमारा काम अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभरात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।